नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिश टीवी D2H और टाटा प्ले के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए भाई कौन सा DTH कनेक्शन बढ़िया रहेगा लगवाने के लिए। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है भाइयों, हर किसी की पसंद भी अलग है। मैं ये नहीं कहता कि भाई जो मैं कहूंगा वही लगवाओ, ऐसा नहीं है। ये आपकी खुद की पसंद है, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको ज्यादा चैनल चाहिए, जो आपको ज्यादा बेहतर सर्विस लगे, उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे क्या लगवाना है। मैं दोनों के बीच आपको तुलना करके दिखा दूंगा कौन सी चीज आपके लिए क्या क्या सर्विस दे रही है, और उसके बाद आपको खुद का डिसीजन होगा आखिरी में इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कौन सा कनेक्शन लगवाना है अपने घर पे, अपने दुकान पे, जहां पे भी आप लगवाना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह से आगे भी सबसे पहले करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डिश टीवी और D2H के बारे में। डिश टीवी एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी होती थी और वीडियोकॉन D2H एक अलग DTH कंपनी होती थी। लेकिन हुआ ये कि जब वीडियोकॉन का नुकसान हुआ तो वीडियोकॉन ने क्या किया, D2H ब्रांड को अपने DTH सर्विसेज को डिश टीवी के हवाले कर दिया, और डिश टीवी ने क्या किया, D2H के कुछ शेयर्स के साथ अपना DTH बिजनेस मर्ज कर लिया। लेकिन हुआ ये, डिश टीवी थोड़ा लीडरशिप में ज्यादा है क्योंकि डिश टीवी की शेयर होल्डिंग ज्यादा है, D2H की थोड़ी कम है। और उसके बाद डिश टीवी ने जो क्या किया है, नॉर्थ इंडिया जो कि आपका हिंदी स्पीकिंग मार्केट है, जहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वाले 77 लोग रहते हैं, उस मार्केट पे कब्जा करने के बारे में सोच लिया। और उसके लिए उन्होंने ये किया कि D2H को सेपरेट कर दिया साउथ के लिए और डिश टीवी ने अपना आपको सेपरेट कर दिया नॉर्थ और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। अब नॉर्थ में वो स्टेट्स आ जाती हैं जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो भी तमाम स्टेट्स हैं ऐसी, वो आपकी नॉर्थ इंडिया में आ जाती हैं। और उसके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका है महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, जैसे तमाम जो स्टेट्स हैं वो आपकी जो है रेस्ट ऑफ इंडिया में आ जाती हैं। और जो D2H है उसको टोटली सेपरेट कर दिया गया है साउथ इंडिया फोकस में, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स हो गई आपकी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो भी साउथ इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स हैं वो सिर्फ आपको D2H के ब्रांड पर ही मिलेंगे, लेकिन डिश टीवी ने जितने भी हिंदी चैनल सबसे ज्यादा हैं वो अपने पास रख लिए हैं। तो अगर आप एक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या रेस्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपको अपनी भाषा में सबसे ज्यादा चैनल चाहिए, जैसे कि आपको मैं स्टेट्स के पहले नाम बता चुका हूँ, उसी भाषा के सबसे ज्यादा चैनल आपको देखने हैं, तो उसके लिए आपको डिश टीवी के पास जाना पड़ेगा या डिश टीवी लगवाना बेहतर होगा, क्योंकि डिश टीवी आपको 700 से भी ज्यादा टेलीविजन चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम डिश टीवी से बात करें तो आपको डिश टीवी से 500 प्लस चैनल मिल जाते हैं, और DD फ्री डिश का सहायता से आपको जो है 700 प्लस चैनल हो जाता है, क्योंकि DD फ्री डिश के जो सिग्नल्स हैं वो डिश टीवी के बिल्कुल आसपास आते हैं, जिसकी वजह से डिश टीवी के डिश एंटीना पर आपको DD फ्री डिश के भी तमाम चैनल्स बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। और ये जो है आपको फायदा डिश टीवी को लगवाने पर मिल जाता है, यानी कि डिश टीवी के जो खुद के चैनल जो वो दे रहा है वो तो मिलते ही हैं, बल्कि साथ ही में DD फ्री डिश के जो चैनल्स हैं वो भी आपके सेट टॉप बॉक्स में मिल जाते हैं। जिससे होगा ये कि कभी अगर DD फ्री डिश में कोई नया चैनल जुड़ता है तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपके डिश टीवी के बॉक्स में भी आ जाएगा, तो उसके लिए आपको DD फ्री डिश को अलग से लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है डिश टीवी पर, जबकि D2H पर यह फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि D2H के जो सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग आ जाते हैं और D2H का सिग्नल उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं है। इसकी वजह से D2H में जो है आपको सिर्फ D2H के ही चैनल मिलेंगे, जिसकी गिनती 500 या उससे थोड़ी बहुत ऊपर रह सकती है। बाकी HD चैनल में कंपेयर करेंगे तो डिश टीवी में जो है आपको 75 प्लस HD चैनल्स मिल जाएंगे, उसी तरीके से आपके जो D2H है उसमें भी आपको 75 प्लस HD चैनल्स है वो ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको, जैसे कि मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि अगर आपको नॉर्थ और रेस्ट ऑफ इंडिया के तमाम चैनल ज्यादा चाहिए, चाहे HD में हो चाहे नॉर्मल में हो, तो उसके आपको डिश टीवी कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज के HD चैनल भी ज्यादा चाहिए या फिर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल आते हैं तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ा में, तो उसके लिए आपको D2H लगवाना अच्छा ऑप्शन रहेगा। पिक्चर क्वालिटी में बात करें तो दोनों की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि दोनों कंपनीज एक है तो ऑब्वियसली पिक्चर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पिक्चर क्वालिटी HD चैनलों की भी और नॉर्मल की भी आपको बढ़िया मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्विसेज में, तो डिश टीवी की जो सर्विसेज हैं दोस्तों वो आपको ठीक ठाक मिल जाती हैं। तो बताना चाहूंगा कि अगर आप कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो आपको जो है थोड़ा बहुत ही गाइड कर सकते हैं, इतना ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं दे सकेंगे, उसके लिए आपको इंजीनियर विजिट ही करानी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कस्टमर केयर नंबर की, तो ज्यादातर वो बिजी नहीं रहता, आप आराम से जो है कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसके अलावा उन्होंने खुद की एक डेडिकेटेड एप्स भी बना रखी हैं डिश टीवी को मैनेज करने के लिए, माई डिश टीवी ऐप मिल जाएगी, और डीटीएच को मैनेज करने के लिए डीटीएच की इन्फिनिटी ऐप आती है। दोनों को आप सेपरेट तरीके से मैनेज कर सकते हो। पैकेज में कोई चैनल ऐड करना हो, कोई ड्रॉप करना हो, कोई चैनल चेंज करना हो, या पैकेज ही चेंज करना हो, तो आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा इनकी जो है एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्सेस भी मार्केट में उपलब्ध है, जिससे आप अपने नॉर्मल टीवी को एंड्रॉइड बना सकते हो। डिश टीवी की ओर से डिश स्मार्ट हब के नाम से बॉक्स अवेलेबल है, जबकि डीटीएच में आपको डीटीएच स्ट्रीम के नाम से एंड्रॉइड बॉक्स मिल जाएगा। दोनों के जो प्राइस है वो सेम ही रहते हैं, क्योंकि मॉडल बेशक अलग हो लेकिन कंपनी तो एक ही है, तो प्राइस दोनों के सेम ही रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक जिंक सुपर एफटी बॉक्स भी मार्केट में उतारा हुआ है, जो कि आपको एक साथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में देता है, यानी कि 2 साल तक आपको रिचार्ज भी नहीं करवाना पड़ता है। इस बॉक्स में जो एक बेसिक एफटी पैक होता है वही आपको मिल जाता है। बाकी अगर हम पैकेज की बात करते हैं, तो पैकेज की शुरुआत है वो 153 रुपीज से शुरू हो जाती है, इंक्लूडिंग 18% GST। तो आप जो है अपने पैकेजेस को भी जो है 153 रुपीज से बना सकते हो, और उसके बाद जो चैनल आपने लेना है उसके मुताबिक आप रिचार्ज करवा लीजिए, आपके जो चैनल है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो डिश टीवी डीटीएच का बेहतर सर्विस आपके लिए, तो कुल मिला के आपको डिश टीवी डीटीएच का जो पैकेज है वो बढ़िया मिल जाएगा। अगर आप लगवाने के बारे में सोच रही हैं तो लगवा सकते हैं, देखे जाने वाले सभी मुख्य चैनल आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी ओर टाटा प्ले के बारे में। तो टाटा प्ले और डिश टीवी में कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। डिश टीवी में जो है आपको डिश टीवी की ओर से सिर्फ 500 प्लस चैनल मिलते हैं, लेकिन टाटा प्ले में जो है 600 प्लस चैनल ही टाटा प्ले से आ रहे हैं, तो ये आपको सबसे बढ़िया फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें डीडी फ्री डिश के चैनल तो आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि टाटा प्ले और डीडी फ्री डिश जो सिग्नल है वो आसपास नहीं है, इसकी वजह से टाटा प्ले जो है वो अपनी सेपरेट ही सर्विस देता है। इसके अलावा जो आप पे एचडी चैनलों की गिनती है वो भी सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी कि 100 से भी ज्यादा एचडी चैनल, यानी कि 100+ एचडी चैनल सबसे ज्यादा इंडिया में जो है वो टाटा प्ले में ही मिलेंगे। तो अगर आप एचडी चैनलों के लवर्स हैं, आपको सबसे ज्यादा एचडी चैनल देखना पसंद है हाई क्वालिटी वाले, तो आप टाटा प्ले को अपने घर पर लगवा सकते हैं, क्योंकि हर एक भाषा में ख्याल रखते हुए उन्होंने यहाँ पर आपके लिए चैनल जो है दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें डिश टीवी और डीटीएच की तरह ये नहीं है कि आपको नॉर्थ या रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए डिश टीवी लगवाना पड़ेगा या साउथ इंडिया के आपको डीटीएच ही लगवाना पड़ेगा, नहीं। इसमें जो है आपको साउथ के चैनल हो या नॉर्थ के चैनल हो या रेस्ट ऑफ इंडिया के चैनल हो, वो एक ही डीटीएच पे मिल जाते हैं, उसके लिए अलग अलग कंपनीज नहीं है, एक ही कनेक्शन लगवाओ, सब कुछ आपको एक ही में मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको तमिल चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है क्योंकि बदली करके नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूं तो उसको जो है तमिल चैनल चाहिए हो या तेलुगु चैनल चाहिए हो, तो वो जो फायदा आपको टाटा प्ले में मिल जाएगा डिश टीवी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो टाटा प्ले लाजवाब है पिक्चर क्वालिटी में, एचडी चैनल की क्वालिटी भी बहुत काबिल तारीफ है, और एचडी चैनल की जो क्वालिटी नॉर्मल चैनल की जो क्वालिटी है वो भी काफी शार्प और बढ़िया आपको मिल जाएगी। ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, इसमें भी आपको एचडी बॉक्सेस में जो है एचडी बॉक्स मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉइड बॉक्स भी दिया जाता है, जिसका नाम है टाटा प्ले बिंच प्लस। इसके अंदर भी आप जब नॉर्मल टीवी को अगर एंड्रॉइड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर टीवी चैनल्स भी मिल जाते हैं आपको टाटा प्ले के, और जो भी OTT एप्स है वो भी यहाँ पे चला सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी टाटा प्ले जो है पूरा बढ़िया पैकेज आपको दे रहा है। कस्टमर सपोर्ट में बात करें तो कस्टमर सपोर्ट टाटा प्ले का बहुत अच्छा है, चैट ऑप्शन भी मिल जाती है, आप इनसे ऑनलाइन चैट भी करके बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कस्टमर केयर पर बात करनी है, ऑनलाइन चैट कीजिए, सब कुछ आपको सोल्यूशन वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा कोई चैनल ऐड करना हो ड्रॉप करना हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे भी सहूलियत दी हुई है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कोई भी चैनल ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकी भी टाटा प्ले की ऐप आती है जहाँ से पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने OTT बंडल सब्सक्रिप्शन भी अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं आपके लिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ताकि आप जो भी एक ही साथ OTT सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, इस पर आपको नेटफ्लिक्स भी मिल जाए, प्राइम भी मिल जाए, Z5 भी मिल जाए, सोनी लिव भी मिल जाए, ऐसे तमाम चैनल्स के जो बंडल्स हैं उन्होंने बना रखे हैं OTT के लिए भी, जिसके पास स्मार्ट टीवीज लगे हुए तो वो इसमें यूज कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया जो ऑप्शंस है वो टाटा प्ले में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें जो पैकेजेस की शुरुआत है वो सेम ही रहेगी, इसमें भी आप 153 रुपीज से प्लान शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आप रिचार्ज कराएंगे उसके मुताबिक आप चैनल ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो दोनों के बारे में आपको मैंने मोटा मोटा ज्ञान दे दिया है कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए बेहतर है। अब बात आती है इनके प्राइसिंग में, तो प्राइसिंग में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा ऑब्वियसली। इन दोनों में से कोई भी कनेक्शन आप लगवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दोनों के लिंक्स दे दिए हैं, जो भी आपके लिए मुनासिब हो, जो भी आपको लगे कि आपको लगवाना है आप लगवा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको सामने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, इस नंबर पर भी आप हमें कॉल करके आप बुकिंग व्हाट्सअप करके अपना कोई भी कनेक्शन लगवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी। तो बाकी आपके खुद का डिसीजन होगा कि आपको अपने लिए कौन सा कनेक्शन लगवाना है, जो आपको बेहतर लगे वो आप लगवा लीजिए, ठीक है जी। बाकी आपके बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।